सभी भाइयों को नमस्कार, ड्रीम शॉट टिप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, टीम प्रोवाइड कराएंगे कबड्डी का, जो आठवां मुकाबला खेले जाने वाला है। आज के दिन का दूसरा मुकाबला खेले जाने वाला है, दिल्ली दबंग वर्सेस हैदराबाद तेलुगु टाइटन्स के बीच में, उसी के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बात बता दूं, जो पहला मुकाबला यहाँ खेले जाने वाला है बंगाल वॉरियर्स वर्सेस यूपी योद्धा के बीच में, उसकी टीम जो है वो यहाँ पे यूट्यूब पे हमने डाल दी है, तो उसका वीडियो भी आप वहाँ देख सकते हैं। और इस वाली टीम का वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं हम, और इसके अंदर पूरी की पूरी टीम सेट करेंगे, प्लेयर्स की स्ट्रेटेजी बनाएंगे और इम्पॉर्टेंट सारे के सारे डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप खुद यहाँ पर अपनी खुद की टीम भी क्रिएट कर सकें। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके के वीडियोस इजीली आपको मिल सकें। और यहाँ जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें, और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसके ऊपर ज्वाइन हो जाएं, ताकि लास्ट मोमेंट पे होने वाले चेंजेस, अपडेट्स और वो सारे की सारी टीमें जिनके वीडियो यहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ, उस वो इजीली आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सर्च करना है ड्रीम शॉट टिप्स और डायरेक्टली ज्वाइन हो जाना है। जैसे भी प्रॉब्लम आ रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के इस मैच के बारे में, जो कि खेले जाने वाला है दिल्ली और हैदराबाद के बीच में, दिल्ली दबंग वर्सेज तेलुगु टाइटन्स के बीच में। फ्रेंड्स, यहाँ बात बता दूँ, तेलुगु टाइटन्स का जो है ये तीसरा मुकाबला है। दो मुकाबले में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस इतनी कोई खास नहीं दिखाई है, और दोनों मुकाबले के अंदर ही डिफीट का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनके जो शानदार प्लेयर हैं सिद्धार्थ देसाई, जिनकी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर शानदार रही थी, तो ये जो इनके प्लेयर हैं, इनका रेडर हैं ये, इनकी परफॉर्मेंस इस वाले मैचों के अंदर, दोनों मैच के अंदर कोई खास नहीं रही है। और इनकी जो डिफेंसिव यूनिट है वो पूरी की पूरी फेल हो गई है। अबोजर और विशाल भारद्वाज ने इनकी कमान संभाली हुई थी, हालांकि विशाल भारद्वाज ने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिए हैं 2 मैच में, पर वो उस मैच के अंदर सफिशिएंट पॉइंट्स नहीं है जिस हिसाब की उनकी परफॉर्मेंस लास्ट टाइम रही थी उस अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं बात कर लूँ प्रोबेबल 11 दिल्ली के और प्रोबेबल 11 तेलुगु टाइटन्स की टीम के, और उनके पूरी की पूरी अपन यहाँ पे पॉइंट्स की भी स्टडी कर लेते हैं कि ये ओवरऑल उन्होंने कितने पॉइंट्स अचीव करे हुए हैं। तो यहाँ मैं आपको पहले बता दूँ, दिल्ली डेविल्स के प्रोबेबल 11 रविंद्र बहल है, विजय मलिक है, विशाल मने, नवीन कुमार, मिराज, चंद्रन रंजीत और जोगिंदर नरवाल। और यहाँ मैं बात करूँ राजेंद्र पवाल की, तो राजेंद्र पवाल डिफेंडर है राइट कॉर्नर के, जिन्होंने 89 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें 277 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ अर्न करे हुए हैं। और सिंगल मैच की बात करूँ तो 9 पॉइंट्स इन्होंने अर्न करे हुए हैं, और 85% टाइम्स ये नॉट आउट रहे हैं। सेकेंड नंबर के ऊपर बात करूँ मैं विजय मलिक की, तो विजय मलिक यहाँ पर ऑलराउंडर है, और 40 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, 137 पॉइंट्स इन्होंने टोटल गेन करे हुए हैं। सिंगल मैच की बात करूँ तो 8 पॉइंट गेन करे हुए हैं, और 84% टाइम्स ये नॉट आउट रहे हैं। थर्ड नंबर पे विशाल मैने की यदि मैं बात करूँ, तो ये राइट कॉर्नर डिफेंडर हैं, और 105 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, जिसमें 170 पॉइंट्स इन्होंने गेन करे हुए हैं, और सिंगल मैच के अंदर इन्होंने हाईएस्ट 6 पॉइंट गेन करे हुए हैं, और 50% टाइम ये नॉट आउट रहे हैं। इसके बाद में नवीन कुमार की मैं बात करूं, तो नवीन कुमार शानदार रेडर हैं इनके, 22 मैचेस के अंदर ही इन्होंने 177 पॉइंट्स यहां पर अचीव करे हुए हैं, और 15 पॉइंट्स इन्होंने सिंगल मैच में अचीव करे हुए हैं, 79% टाइम्स ये नॉट आउट रहे हैं। कैप्टन के लिए अच्छा ऑप्शन है, इनको आप ये ले सकते हैं यदि चल गए तो, शानदार पॉइंट्स आपको एक तरफा पॉइंट्स इनसे देखने को मिलेंगे ओनली 22 मैचेस में। आप यहाँ देख सकते हैं 177 पॉइंट्स इन्होंने अचीव करे हुए हैं। इसके बाद मैं बात करूँ मिराज की, ऑलराउंडर है, इन्होंने भी 82 मैचेस के अंदर 362 पॉइंट्स यहाँ अचीव करे हुए हैं, और 15 पॉइंट्स इन्होंने सिंगल मैच के अंदर गेन करे हुए हैं, 79% टाइम्स ये यहाँ पर नॉट आउट रहे हैं। इसके बाद में चंद्रन रंजीत है, जो कि यहाँ पे रेडर हैं इनकी टीम के, 42 मैचेस के अंदर 216 पॉइंट गेन करे हुए हैं, और हाईएस्ट पॉइंट सिंगल मैच की बात करूँ तो 11 पॉइंट इन्होंने अचीव करे हैं, और 76% टाइम्स यहाँ पे नॉट आउट रहे हैं। उसके बाद में जोगिंदर सिंह जो कि इनकी टीम के कैप्टन है, डिफेंडर है लेफ्ट कॉर्नर के, 60 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, 128 पॉइंट्स इन्होंने गेन करे हुए हैं, हाईएस्ट पॉइंट जो एक मैच में गेन करें वो हैं 6, और लगभग नॉट आउट रहे हैं ये। यहाँ पे तेलुगु की टीम के प्रोबेबल 7 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पे एबोजर है, और यहाँ मैं बात करूँ राकेश गोवदा है,
थर्ड नंबर के ऊपर राकेश गोदा, सेकंड नंबर के ऊपर राकेश गोदा, या फिर यहाँ पे आप अरमान को देख सकते हैं, स्पेलिंग के मिस्टेक है, अरमान को देख सकते हैं, फरहाद है, सिद्धार्थ देसाई है, अरुण है, उसके बाद में रजनीश और विशाल भारद्वाज है। यहाँ पे मैं बात करूँ अबुजर की, अबुजर टीम के कैप्टन है, ईरान के प्लेयर हैं, 47 इन्होंने यहाँ पर मैचेस खेले हुए हैं जिसमें 126 पॉइंट इन्होंने गेन करे हुए हैं और 6 पॉइंट्स इन्होंने सिंगल मैच में हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे गेन करे हुए हैं, 96% पर नॉट आउट रहे हैं। लास्ट के यदि दो मैच के बारे में बताऊँ अबुजर की, तो लास्ट के दो मैचों के अंदर 4 पॉइंट इनके खाते में गए हैं और सिंगल मैच के अंदर हाईएस्ट में 2 पॉइंट, दोनों में 2-2 पॉइंट इनको यहाँ पे मिले हैं। देखिए प्लेयर बहुत अच्छे हैं ये। और बात करूँ तो सीज़न 5 का जो मैच हुआ था, सीज़न 5 में जो मैच हुए थे उसके अंदर सबसे सक्सेसफुल डिफेंडर थे अबुजर। और 2018 की यदि मैं बात करूँ तो ईरान के ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हुए हैं, ईरानी कबड्डी के जो टीम थी उसके अंदर इनको यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला हुआ है, तो शानदार प्लेयर हैं। इसके बाद मैं बात करूँ राकेश गोदा की, राकेश गोदा इनकी टीम के शानदार रेडर हैं। और लास्ट वाले अभी इस मैच की यदि मैं बात करूँ तो लास्ट वाले मैच में दो मैचों के अंदर इनको 5 पॉइंट्स मिले हुए हैं और 4 हाईएस्ट इनके पॉइंट रहे हुए हैं और 75% टाइम्स ये नॉट आउट रहे हुए हैं। इसके बाद मैं बात करूं फरहाद की, तो 42 मैचेस इन्होंने टोटल प्ले करे हुए हैं, 81 पॉइंट्स अचीव करे हुए हैं, हाईएस्ट पॉइंट सिंगल मैच के अंदर 5 इनको मिले हुए हैं, 76% टाइम्स ये नॉट आउट रहे हैं। नेक्स्ट में सिद्धार्थ देसाई शानदार प्लेयर हैं, शानदार रेडर हैं, अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं लेकिन 23 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं और 232 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे गेन करे हुए हैं और हाईएस्ट इन अ सिंगल मैच 19 पॉइंट्स इन्होंने गेन करे हुए हैं और 75% टाइम्स ये नॉट आउट रहे हैं। और यदि मैं लास्ट के दो मैच की इनकी बात करूँ सिद्धार्थ देसाई की, तो लास्ट के दो मैच जो अभी इस सीज़न 7 के अंदर हुए हैं उसमें 11 पॉइंट इनके खाते में गए हैं और एक हाईएस्ट पॉइंट इन्होंने एक मैच के अंदर जो लिए हैं वो 6 लिए हैं और 55% टाइम्स ये नॉट आउट रहे हैं। इतनी कोई ख़ास फॉर्म नहीं रही है इनकी अभी तक। नेक्स्ट के अंदर मैं अरुण की बात करूं तो लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर है, 71 मैचेस में 91 पॉइंट्स अचीव करे हुए हैं, हाईएस्ट सिंगल मैच के अंदर 8 पॉइंट्स अचीव करे हुए हैं और 90% टाइम ये यहाँ पे नॉट आउट रहे हैं। यदि लास्ट के दो मैचों की इनकी बात करूं तो लास्ट के दो मैच में सीज़न 7 के 3 इन्होंने यहाँ पे दो मैचेस खेले हुए हैं और 3 पॉइंट्स इन्होंने गेन करे हुए हैं और हाईएस्ट जो इन्होंने अपने एक मैच के अंदर पॉइंट्स गेन करे हैं अभी वो यहाँ पे 2 पॉइंट्स गेन करे हुए हैं। रजनीश जो कि रेडर हैं इनकी बात करें तो टोटल 6 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं जिसमें 21 पॉइंट इन्होंने अपने नाम करे हुए हैं और सिंगल मैच के अंदर 8 पॉइंट इन्होंने लिए हुए हैं और 74% टाइम्स ये यहाँ पे नॉट आउट रहे हैं। इसके बाद में विशाल भारद्वाज की मैं बात करूँ तो 43 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, 142 पॉइंट्स इन्होंने अचीव करे हुए हैं, सिंगल मैच के अंदर हाईएस्ट स्कोर की बात करूँ तो 9 पॉइंट्स इन्होंने अर्न करे हुए हैं और 97% टाइम ये यहाँ पे नॉट आउट रहे हैं। यदि सीज़न 7 के जो दो मैच खेल लिए हैं इन्होंने उसकी बात करूँ तो दो मैच में 4 पॉइंट्स इन्होंने अचीव करे हुए हैं और दोनों ही मैचों के अंदर 2-2 पॉइंट्स इनके खाते के अंदर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी स्टेट सीन की और यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं हमारी टीम की, आज की इस टीम में हमारे प्लेयर्स कौन कौन से रहेंगे और क्या चॉइस रहेगी कैप्टन या वाइस कैप्टन की, उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं एक बार इस टीम के ऊपर। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैंने डिफेंडर में 2 प्लेयर्स को लिया हुआ है, मैंने यहाँ डिफेंडर के अंदर विशाल माने को लिया हुआ है और सेकंड नंबर पे जोगिंदर नरवाल को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ऑलराउंडर के अंदर मैंने 2 प्लेयर्स को लिया हुआ है, फर्स्ट नंबर के ऊपर मैंने मिराज को लिया हुआ है और सेकेंड नंबर के ऊपर मैंने विजय को लिया हुआ है। इसके बाद में बात करें तो रेडर के अंदर मैंने 3 प्लेयर्स को लिया हुआ है, सिद्धार्थ को लिया हुआ है, नवीन कुमार को लिया हुआ है और राकेश को लिया हुआ है। टीम का एक बार पूरा प्रीव्यू देख लेते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के अंदर यहाँ मेरी जो चॉइस रहेगी, मिराज शानदार प्लेयर है, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज है और इनकी बात करूँ तो मिराज ने 82 मैचेस के अंदर 362 पॉइंट्स इन्होंने अचीव करे हुए और सिंगल मैच में 15 पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम दर्ज करे हुए हैं, तो अच्छा ऑप्शन यहाँ पर बनता है कैप्टन की चॉइस के अंदर। इसके बाद में मैं बात करूँ तो नवीन कुमार को भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, शानदार रेडर हैं,
एकमात्र 22 मैचों के अंदर ही 177 पॉइंट इन्होंने अपने नाम पे दर्ज करे हुए हैं, और हाईएस्ट पॉइंट सिंगल मैच की बात करूं तो 15 इन्होंने लिए हुए हैं। तो आप चाहें तो इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन को आप बिल्कुल इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं और नवीन को यहाँ पर आप कैप्टन बना सकते हैं। इसके अलावा की चॉइस की मैं बात करूँ तो देखिए सिद्धार्थ देसाई के साथ में भी आप एक टीम में यहाँ पे वाइस कैप्टन के सेक्शन में जा सकते हैं। हालांकि अभी इतनी अच्छी कोई खास परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही है, लेकिन जिस दिन भी चले अच्छे खासे पॉइंट्स आपको दिला के जा सकते हैं, तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक टीम यदि आप बना रहे हैं तो उस टीम के अंदर आप इनको यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी टीम आज की, और किसी भी तरीके का कोई चेंज रहेगा तो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप कनेक्ट रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट में लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।